Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi, father of a wonderful son, husband of a caring woman, and my purpose is to serve. I am into real estate industry from last 25 years and I love giving plenty of free advice in property. Today we are going to speak about a new launch which is by Mantra Developers and the code name is Infinity of the project and it is at Upper Koregaon Park in Pune. So let's begin with the show. So friend, this is the tower. This is Mantra, code name is Infinity. And this is A and B wing tower, which is 22 story tower. And ground floor, they have given the two levels of podium parkings. The parking is there. And below that, they are giving some, kuch commercial places niche diye hue hai. Yahan par kuch shops diya hua hai niche. तो ये शॉप्स के बारे में प्लान मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ. पहले हम लोग रेसिडेंट की बात कर लेते हैं. ये 22 माले का टावर है और ये हर एक फ्लोर में चार फ्लैट्स है. ये उसका दूसरा इमेज है, एलिवेशन है बिल्डिंग का जो कि काफ़ी फैंटास्टिक इमेज है. फ्लैट के इंटीरियर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर इन्होंने 2.5 BHK एंड 3.5 BHK दिया है. पर उनका कहना ऐसा है कि 2 BHK विद एक्स्ट्रा रूम एंड 3 BHK विद एक्स्ट्रा रूम. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द एक्स्ट्रा रूम. सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर अ एक्स्ट्रा रूम, मतलब फ्लैट के साथ में ये 2.5 BHK बोलते हैं. जो हाफ बी एच के दैट इज 80 square feet कारपेट. सो दैट कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ ऑफिस एट होम और यू कैन कन्वर्ट इंटू पूजा रूम और यू कैन कन्वर्ट इंटू स्टडी रूम और एनीथिंग. दिस ईयर यू हैव दे हैव शोन के ये इन्होंने छोटा सा ऑफिस बनाया अंदर. बिल्डिंग का एलिवेशन कुछ ऐसा रहेगा, पोडियम लेवल के ऊपर पार्किंग दिया हुआ है और कुछ एमिनिटीज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे 22 माले पे दिया हुआ है. अगेन ये जो इनका छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है जो 3.5 के साथ में और 2.5 के साथ में है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर कुछ जैसे म्यूज़िक रूम बनाया है. अगर म्यूज़िक रूम करना है, आजकल तो हम लोग भी जैसे यूट्यूबर्स है, यूट्यूबर्स के लिए भी ऐसे रूम्स बहुत काम में आते हैं. जब छोटा कोई रूम घर में अगर होता है तो अदरवाइज नॉर्मली रोज लोग जो है पूजा रूम, स्टडी रूम, आजकल तो होम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू एनीथिंग. इट इज़ 80 square feet कारपेट, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाफ रूम और एक्स्ट्रा रूम. ये जो एमिनिटीज है 22 माले के ऊपर दिया है. स्विमिंग पूल जो है काफ़ी बढ़िया स्विमिंग पूल उन्होंने दिया है, लार्ज साइज स्विमिंग पूल है और 22 माले के ऊपर है तो काफ़ी ग्लैमरस व्यू पूरा पुणे का है. दिस इज एट अपर कोरेगांव पार्क में है, जो प्रोजेक्ट है अपर कोरेगांव पार्क में है तो व्यू काफ़ी बढ़िया है इसका. अगेन दिस इज द हाफ बेडरूम. सो दिस ईयर दिस इज द कोड नेम एंड दिस पिक्चर सेज द इन्फिनिट possibilities of the Mantra properties and infinite possibilities are coming soon to Upper Koregaon Park. Again, this is the elevation of the building. ये जो है टॉप व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है बिल्डिंग का, जिसके ऊपर यहाँ पर स्विमिंग पूल दिया है तो प्राइवेसी काफ़ी अच्छी है स्विमिंग पूल में. फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ इंडोर गेम्स दिया हुआ है जो कि टॉप 22 माले पे है. अगेन यहाँ पर कुछ छोटा सा अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट इज देयर, देन सम जिमनेजियम इज देयर सॉरी ओवर हियर एंड देयर इज अगेन सम इंडोर गेम्स आर देयर ओवर हियर. सो दिस इज द किड्स प्ले एरिया विच इज ऑन द पोडियम लेवल ऑफ द बिल्डिंग. अगर हम लोग एरियाज की बात करेंगे तो 2 BHK जो है वो एरिया करीबन 882 के आसपास है और 3 BHK कुछ 1100 के आसपास है. तो 2 BHK 97 लैक्स है और 3 BHK जो है 1.20 crore से शुरू होता है. और नीचे जो उन्होंने शॉप्स जो दिया है वो 450 square feet है, कुछ 1.10 crore से शुरू होता है. अब ये इनका जो फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फ्लैट है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1 bedroom, दिस इज सेकेंड बेडरूम, दिस इज थर्ड बेडरूम एंड दिस इज स्टडी रूम, विच जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा रूम दे रहे हैं 3 bedroom में. सो इट इज़ बेसिकली 3.5 BHK. और दूसरे तरफ आप देखेंगे,
जैसे इसका मिरर इमेज है, यहाँ पर एक बेडरूम यहाँ पर दिया है, दूसरा बेडरूम है, किचन है और ये स्टडी रूम है। तो टू बेडरूम के साथ में एक स्टडी रूम है, थ्री बेडरूम के साथ में एक स्टडी रूम है। हर एक फ्लोर पे चार फ्लैट है और दो विंग है बिल्डिंग में। अगेन सेम ओवर हियर, दिस इज बी विंग इमेज, सेम थिंग विल सी ओवर हियर, फोर फ्लैट्स आर देयर। सो फ्रेंड्स, हियर यू सी बेसिकली, अगर लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो लोकेशन जो है बिल्कुल अपर कोरेगांव पार्क में है, जो बिल्कुल राइजिंग सबर्ब है एरिया का। और इनका जो है आईटी हब्स जो है, जैसे खरड़ी है, हडपसर है, बिल्कुल इसके नज़दीक है। और मिनिमम ट्रैवल टाइम फॉर द वर्क और ऑफिस के लिए यहाँ से जब ट्रैवल करते हैं, अपर कोरेगांव पार्क से जब ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ से कमर्शियल हब्स जो है वो काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। और इस एरिया में ज़्यादातर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, जैसे मगरपट्टा हो गया, सराउंडिंग एरियाज़ जो इसका है, मगरपट्टा है, खरड़ी है, हडपसर है, विमान नगर है और वडगांव शहरी है। सो ये सारा एरिया जो है सराउंडेड एरिया है। तो अपर कोरेगांव नगर और कोरेगांव पार्क, वैसे भी जो है कोरेगांव पार्क के पुणे का जो है ये काफ़ी बहुत ही डेवलप्ड एरिया है और काफ़ी क्लासिक और जेंट्री यहाँ पर रहती है। तो दिस बिल्डिंग इज़ ऑल्सो इन द प्राइम लोकेशन। और यहाँ पर आपको फ्लैट में रहने का, आपको फ्लैट परचेज करने का, और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको मिलेगा इसमें। अगेन देयर आर मेनी मॉल्स कनेक्टेड टू दिस एरिया, लाइक सीजन मॉल्स आर देयर, एनोरामा एमोनारा मॉल इज देयर, मेरीप्लेक्स मॉल इज देयर, देन फिरेक्स मार्केट सिटी इज देयर। If you see the lifestyle of the project, then the lifestyle is like Upper Koregaon Park has good infrastructure development compared to many other suburbs of the city. जैसा मैंने बताया, कोरेगांव पार्क इज द मेन डेवलप्ड एरिया एंड इट इज़ द मेन लग्जरियस एरिया इन पुणे। एंड द प्रेजेंस ऑफ मेनी अपस्केल मॉल्स इंक्लूडिंग लाइक द फिनक्स मार्केट एंड एमोनारा टाउन सेंटर एंड सीजन मॉल ऑल ऑफर एम्पल लाइफ स्टाइल एंड शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द रेसिडेंशियल्स ओवर हियर। स्कूल और एडुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है, विबगौर है, फिर लिटिल मिलीनियम है, सेंट ऑस्कर कॉन्वेंट हाई स्कूल है, द ऑर्बिस स्कूल, देन बिशप स्कूल, सधाना विद्यालय, बिशप स्कूल कैंप, दीज आर ऑल स्कूल्स ओवर हियर विच इज़ वेरी बेस्ट फॉर द फैमिली टू स्टे। एंड इतने स्कूल्स तो मैंने कहीं पर बॉम्बे में भी, एक कोरेगांव पार्क में इतने नज़दीक में इतने सारे स्कूल्स जो है, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर रेडियस के अंदर है ये सारे स्कूल्स। और हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो जैसे अंकुर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज देयर, कोलम्बिया एशिया हॉस्पिटल, इनलैक एंड बुद्रानी हॉस्पिटल, जहांगीर हॉस्पिटल, रूबी हॉल क्लिनिक एंड नोबल हॉस्पिटल। इट इज़ बेसिकली द आई टी हब्स ओवर हियर, द एम्प्लॉयमेंट हब्स इज लाइक ईओन आई टी पार्क विच इज, देन अगेन द मगरपट्टा इज द आई टी पार्क, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज देयर, वर्क फील्ड आई टी सिटी इज देयर, देन विमान नगर इज क्लोजर फ्रॉम दिस प्लेस, देन सेरिब्रम आई टी पार्क, कल्याणी नगर, साइबेज कल्याणी नगर, मंत्री बिजनेस पार्क, विमान नगर, बिजनेस बे एंड सिटी बे, दीज आर ऑल द कमर्शियल हब्स विच आर क्लोज टू द प्रोजेक्ट। इफ यू सी द सोशल एम्यूनिटीज, देन इन सोशल एम्यूनिटीज मुंबई पुणे हाईवे विच इज अलॉन्ग विद द मुंदा खरड़ी रोड कनेक्ट टू पुणे एयरपोर्ट, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर फ्रीक्वेंट फ्लायर्स। And the availability of luxury housing and easy access to the airport also attract buyers. Pune railway station is hardly 8 kilometers from the locality. So this is basically where the project is located. And from here, everything ecosystem is ecosystem is very good of this area. And if you see all the location advantage of this area, the 5 minutes is from Koregaon Park, 8 minutes is from Magarpatta, 12 minutes is from Kharadi, and Mula Mutha River on the other side, it's on the other side. Then reputed school, renowned hospital, best malls, this I have read, these all are very close by to the project.
एंड प्रोजेक्ट डिटेल की अगर बात करेंगे तो 8 acre का प्लॉट है जिसमें 1.2 acre अभी ये इसमें यूज कर रहे हैं और कुछ कमर्शियल्स प्रॉपर्टी में यूज करेंगे। उसके आगे भी डेवलपर और भी लैंड परचेस कर रहे हैं जिसमें पता नहीं वो रेसिडेंटल या कमर्शियल लेके आ सकते हैं, डिपेंड्स उस लोकेलिटी में क्या किसका डिमांड ज़्यादा आता है, पर बेसिकली मिक्सचर ऑफ रेसिडेंटल और कमर्शियल रहेगा। अब ये जो टावर है 22 story का टावर है with all the latest amenities and branded fittings are there inside the complex, और जो फ्लैट का प्लान है वो काफ़ी वेल डिज़ाइन और वेल प्लान्ड है विद गुड वेंटिलेशन और प्रोजेक्ट्स हैज़ वेल थॉट थ्रू एमिनिटीज, रेसिडेंटल टावर्स, कमर्शियल पार्क एंड रिटेल बॉलेवार्ड, जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल और रेसिडेंटल का मिक्स रहेगा। अगेन 2 BHK एंड 3 BHK हैज़ एडिशनल रूम विच वी दे आर सेइंग एज एडिशनल रूम वी सी हैज़ 2.5 और 3 BHK फ्लैट और 3.5 BHK फ्लैट सॉरी एंड 4 apartments आर देयर ऑन एवरी फ्लोर। सो इफ यू सी द एमिनिटीज वाइज दे आर गिविंग अर्बन कट्टा प्लस एंट्री डेक, मेडिटेशन, रेफ्लक्सोलॉजी कोर्ट, वॉकवे, योगा डेक, आउटडोर जिम, टॉडलर्स प्ले एरिया, ट्री कोर्ट, सिटिंग एरिया, इंडोर जिम, पार्टी लॉन, मल्टीपर्पज हॉल, स्विमिंग पूल, बेबी पूल एंड डेक, लाइब्रेरी एंड को वर्किंग एरिया। नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाइज दे आर गिविंग ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज देयर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी विल बी ऑफकोर्स इट विल बी अ गुड क्वालिटी बिकॉज मंत्रा इज एन ओल्ड डेवलपर इन पुणे एंड दे हैव बिल्ट मेनी प्रोजेक्ट इन पुणे। सो आई एम नॉट शोइंग इन दिस वीडियो बट इन सम अदर वीडियो व्हेन आई गेट द प्रॉपर नेम बिसाइड दिस कोड नेम दैट टाइम आई विल शेयर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द डेवलपर। So this is basically the area of 2 BHK. 882 is including 2.5 BHK, which we call a study room. Nowadays, I call this a home office room. Okay. So 882 is for 2.5 BHK, which is a decent carpet area. And for 3 BHK, it is 1103, which is 1, 2, 3.5 room. So again, a decent carpet for 1103. So friend, this is the image of the shops which they have given below, which starts from 450 to 475 carpet area. And basically here, this is ground floor over here. And there is a mezzanine floor on top, which is half the shop. So, अगर दोनों का एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर और प्लस मेजबान का मेजनाइन का अगर एरिया अगर गिनते हैं तो टोटल 475 इज़ द मिनिमम एरिया, जो लगभग ये छोटा शॉप जो यहाँ पर दिया होगा शायद इसी का ही होगा 475, और फिर आगे चलकर ये करीबन मैक्सिमम 2500-3000 स्क्वायर फीट तक भी जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप जोड़ी शॉप लेते हो तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर जोड़ी शॉप लेते हो तो इसमें एरिया बढ़ भी सकता है, बट द प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 1.10 crore ऑनवर्ड्स। तो दिस इज द प्लान ऑफ द कमर्शियल शॉप्स विच आर गिवन बिलो। So friend, this is all about from the Mantra developer and the code name is Infinity, and this is as upper Koregaon Park and the one of the best locality in Pune, and with this we end our show. If you have any inquiry, you can call me on this number which is scrolling below for the booking, and right now builder is taking the EOI which we will be developer will be giving you the benefit of the EOI, which will be only for the first 50 flat EOI expression of interest amount jo lete hai, that is 90,000 rupees. So developer will be giving a discount at the time of launch. Ab jab bhi 15 din ya 1 mahine baad launch jab hota hai to us pe jo discount diya jayega to wo pehle 50 flats ke jo EOI jinhone diya hai usi ko wo discount diya jayega. तो मेरा ये सजेशन है कि डोंट वेट, हरी अप, राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी वॉज यस्टरडे, टुडे यू आर स्टिल लेट बट स्टिल टेक अ चांस एंड बुक इट एंड टेक द चांस फॉर द डिस्काउंट ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो, वेलकम अगेन, थैंक यू, सी यू टुमारो।